तो एनएफएस सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां लोग काबिल नहीं है, एक तो उनको आप घोषित करते हैं काबिल नहीं है, फिर दूसरे आप ये करते थे वो आपके आइडियोलॉजी के लोग नहीं है। तो इसलिए जो एनएफएस का मुद्दा है पूरे देश में व्यापक रूप से है। हमारे यूनिवर्सिटी में करीब 30% जो सिलेक्शन में से 30% लोग आ रहे, क्योंकि चेयरपर्सन ऐसा होगा कभी वो मध्य प्रदेश यूपीएससी का चेयरमैन होगा, कभी जोशी जी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन होंगे, फिर यूपीएससी के चेयरमैन हो जाएंगे और फिर एनटीए के चेयरमैन। वन एग्जाम वन नेशन ओनली वन पर्सन चेयरपर्सन। ये कहता हूँ कि हमारे कुछ मित्र कहते हैं एनएफएस इज नॉन फाउंड संगी, बहुत लोग उसको। जैसे कि हमारे साथी बोले कि यूजीसी इज डिस्ट्रॉयड द एजुकेशन इन द एंटायर नेशन, हम तो भुक्तभोगी है ही हैं, तो हमने कहा हम तो खुश हुए उनके यूज के चेयरमैन बनने में कि पूरा देश भी जानेगा, और ये हुआ हो भी रहा तो हमें और खुशी होती कि देश जानना कि कैसा आदमी जेएनयू का वाइस चांसलर था। जब हम सड़कों को उतरे थे उस समय आवाज़ उठा रहे थे तो हमें लगा कि शायद देश तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है, और अब पहुंच गई है, ये अच्छा हुआ हमारे लिए, हम इस बात को सोचते भी थे, एक तो पहलू है। लेकिन मुझे कन्फाइन एन टी ए और जे एन यू कैसे शुरू हुआ, एन टी ए इस्टेब्लिश इन 2017 एंड इसकी अगर आप बुनियाद देखें तो करप्शन के लिए ही बना है। आई विल से इट वेरी फ्रेंकली, करप्शन के लिए इसलिए बना है कि आप कहते हैं सेल्फ सस्टेनेबल ऑटोनॉमस बट इनफॉर्मल कंट्रोल, हमें कोई आज भी नहीं आया कि हमारे कंट्रोल में ऑटोनॉमस बॉडी है अपने आप फाइनेंशियली, बट कंट्रोल भी हमारा रहे, क्योंकि चेयरपर्सन ऐसा होगा कभी वो मध्य प्रदेश यूपीएससी का चेयरमैन होगा, कभी जोशी जी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन होंगे, फिर यूपीएससी के चेयरमैन हो जाएंगे और फिर एनटीए के चेयरमैन। वन एग्जाम वन नेशन ओनली वन पर्सन चेयरपर्सन, ये दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि आदमी सब कुछ होगा कहाँ कहाँ होगा पता नहीं है। तो इसलिए ये करप्शन के लिए ही बना था कि जितनी कम से कम ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी एग्जाम में, सो एनटीए हैज टू बी सेल्फ सस्टेन। अब देखिए कैसे शुरू हुआ, ये तो जब आपने जेई और ये नीट का एग्जाम शुरू किया, लेकिन देखिए इतनी हड़बड़ी क्या थी कि जेएनयू आने के बाद मम्मी डाला कि जब नाम ही ले लिया तो लेट मी कॉल प्रोफेसर जगदीश कुमार कि विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन इन ए फॉर्मल डेमोक्रेटिक फैशन, कि आपने एक तुगलकी फरमान दे दिया कि कल से जो है ना जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम एनटीए कराएगा, आपको कोई टाइम नहीं देना किसी को। अभी भी यूजीसी में देखिए आप घोषणा कर दी कि इस साल का पीएचडी का एडमिशन का टेस्ट नेट के थ्रू होगा, आप इतनी हड़बड़ी नहीं क्यों कि आप फुर्सत भी किसको टाइम भी सोचने का नहीं, इसका मतलब क्या है, इसलिए आप टाइम नहीं देना चाहते कि लोग सोच के समझ के उसके खिलाफ खिलाफत न करें। आपने एक फरमान जारी कर दिया कि लोग तुरंत करें इस बात को, और इसलिए हड़बड़ी है कि हमें घोटाला तो करना ही है, मतलब क्लियरली बोल द करप्शन इनहेरेंट इन यूजीसी एज वेल एज एनटीए, देयरफॉर एवरी ऑर्डर कम्स इन ए क्विक मूवमेंट एंड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एकेडमिक कैलेंडर पूरा गड़बड़ हो गया एज सेट बाय अदर कलीग्स। एनटीए सक्षम नहीं है, इट्स नॉट कैपेबल टू कंडक्ट एग्जाम फॉर द एंटायर कंट्री ऑन सो मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कर ही नहीं सकता एनटीए। तो इसलिए करप्शन के होल उसमें कई सारे, ये तो अभी दिख रहा है कि भाई नीट में घोटाला हो गया। इट इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट विदाउट एनी नेम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, ऑटोनॉमस कह दिया सब जाएंगे, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, बट आदमी वही बैठा है जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेगा, इट्स नॉट सिंपल। तो इसलिए चाहे वो प्रदीप जोशी, पहले विनीत जोशी डायरेक्टर थे, अब दूसरे जो डायरेक्टर अल्टीमेटली डायरेक्टर को हटा दिया, राइट नाउ इफ यू लुक एट द होल्स इन द एग्जामिनेशन, आप पूरा सिस्टम देखिए, देयर आर होल इन सेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एनटीए बड़ा बड़ा साइड पर रखती थी, उसका मकसद विजन ये है कि रिसर्च के लिए किससे अच्छे कैंडिडेट आए उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम करेगी, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सी लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एम है कि रिसर्च के लिए अच्छे स्टूडेंट आए, कोई मकसद ही नहीं है रिसर्च का, कोई मतलब ही नहीं है ना, होल इशू इज एक पर्टिकुलर तरह के लोग वहां घुसे हैं।
people or the candidates from a specific ideology must be entering into the university system as much as possible. The simple logic. उसके लिए क्या होगा? सब एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे. कंप्यूटर बेस्ड में क्या अंदर क्या कर ले हमें क्या पता है. हम भी कई बार एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होते हैं. हम तो पहले कहते हैं कि जो डीबीए है, मैं आपको एक टेक्निकल बात बता दूं, जो पूरा डेटा को कंट्रोल करता है कि उसका लॉग हमें दोगे, वो कितनी बार एक्सेस किया एग्जाम के बाद. हाँ. मैं तो कहीं भी अगर एग्जाम में इन्वॉल्व हूं तो पहला सवाल ये पूछता हूं कि जो डीबीए है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरा डेटाबेस को कंट्रोल करता है, सब डेटा वहां जाएगा, वही देख सकता है. क्या उसने कितनी बार एग्जाम में एक्सेस किया उसका लॉग हमें दोगे? इफ यू आर नॉट गिविंग, ही कैन चेंज, मैनिपुलेट एनी डेटा इनसाइड. सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इज नॉट सिंपली कि हमें टाइम कम करना है और उसमें कोई और एलाजरी नहीं होगी. इसका मकसद ये भी है कि सिंगल एजेंसी, एक कंट्रोल बॉडी, उसमें मैनिपुलेशन कर सकती है. अभी जे एन यू, क्योंकि मौसमी ने कहा जे एन यू, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंट हुआ है जे एन यू में 700 अराउंड एंड ऑल कैंडिडेट्स आइदर फ्रॉम राजस्थान और हरियाणा. And this exam was conducted by NTA. पहले JNU खुद करता था और अपॉइंटमेंट करता था नॉन टीचिंग स्टाफ के. अब सब भर गए हैं, ऐसा लगता है कभी कुछ हो और डंडा लगे खड़े होने वाले लोग आ गए हैं. It appears if you look at, then not any professional, technical or anything else. But you can see there are people at times who can stand there with a danda. And उनको typist का typing नहीं आती है. And they are appointed typists, they don't know how to type. This is for NTA because there is no typing test taken. NTA ने exam conduct कर लिया और भर लिया. और कितने लिए? 2 सेंटर. यही नीट में भी आ रहा है कि सीकर से 2000 से ज्यादा लोग 650 से ऊपर मार्क्स ले आए. Is the only city in the country where candidates can score more than 650 marks, 2000 more than 2000 candidates. बाकी शहर में लोग पढ़ते लिखते नहीं है, ऐसा तो नहीं है. So NTA एंड यूजीसी, जेएनयू में कैसे एनटीए शुरू हुआ देखिए. जगदीश कुमार यूज टू बी द मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ एनटीए. वो एनटीए के गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे. एंड ही पुट प्रेशर ऑन द एनटीए दैट एनटीए को जेएनयू का एग्जाम करना था. एनटीए वाज रिलक्टेंट. एनटीए को मूड में नहीं था कि जेएनयू का एंट्रेंस करे, लेकिन जगदीश कुमार थे और इतने बड़े आदमी तो हैं कि सब कुछ करने के बाद यूजीसी के चेयरमैन बन गए, तो उनका प्रेशर तो एनटीए सरकार की तरफ से था ही, तो एनटीए मना नहीं कर सकता था. आज भी इतने एग्जाम के बाद एक एग्जाम और एनटीए को दे दिया, गवर्नमेंट दे दिया, तो एनटीए मना नहीं कर सकती है. बिकॉज इट्स अंडर प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट से नो. इवन इफ दे डोंट हैव अ कैपेसिटी टू कंडक्ट एग्जाम, वो ना नहीं कर सकती है. और उसका यूजीसी गए, वहां से भी करा दिया कि सारा एग्जाम जो है सीयूटी होगा. इट इज प्रेशर बाय 1%. और हमारी वाइस चांसलर, नई वाइस चांसलर आने के बाद कहती है कि हम एमए और पीएचडी का एग्जाम जो है एनटीए से नहीं कराएंगे, खुद करेंगे. ये उसने अनाउंस किया आने के बाद. लेकिन सरकार और जगदीश कुमार का प्रेशर इतना ही, वो नहीं हो सकता आज की तारीख में. उसने बोल तो दिया, सी स्पोक वन चिकेन बट सी कैन नॉट डू इट. लुक एट वेदर एनटीए इज ऑटोनोमस और नॉट. एनटीए इज नॉट एट ऑल ऑटोनोमस. As far as government is concerned, UGC is concerned, there is a huge pressure on NTA from their part. NTA cannot say no, and therefore it has been meant for corruption. No doubt about it. आप क्लास में खड़े होकर नंदिता ने कहा, आप खड़े होकर देख लीजिए, you can see the quality of the student coming to NTA. Right? This is what NTA is meant for. और जब तक जगदीश कुमार रहेंगे और भी लोग जो पूरे सरकार रहेगी, मुझे नहीं लगता कि एनटीए डिसमेंटल हो सकता है. द वे द स्पीड एज विद द इंक्वायरीज गोइंग ऑन, द वे इट इज रनिंग इन द कोर्ट, द वे द एंटायर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एनटीए कैन नॉट बी डिसमेंटल. बट ओनली वे वी हैव टू फाइट, दैट्स द ओनली वे वी हैव टू गेट रीड ऑफ द एनटीए इफ यू वॉन्ट टू सेव एजुकेशन इन द कंट्री. This is one part of NTA, and this is how Jagdish Kumar has dismantled JNU as well as entire education in the country. Let me come to the second part of this, where in the entire education system, university system, the recruitment of the teachers from SC/ST and OBC marginalized sections are being not recruited properly. Look at this. Yeah, this is also a systematic way of doing it.
पहले आप कहते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी रोस्टर नहीं बनाती है, सो दैट इट कैन नॉट ईयरमार्क द कोचिंग फॉर द मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, और रोस्टर जितना अवॉइड कर सकते करते हैं, और बनाएंगे भी तो ऐसा बनाते हैं कि जहाँ से कोचिंग मिलनी और लगती नहीं, बैकलॉग नहीं मिलता, शॉर्टफॉल नहीं मिलता, दिस इज वॉट द होल इंटायर एक्सरसाइज इज। इफ देयर इज अ प्रेशर बिल्ट अपॉन देम, वो रोस्टर बन भी गया तो दूसरा प्रोसेस सिलेक्शन का है, उसमें कहते हैं कि भाई एनएफएस नन फाउंड सुटेबल, कोई भी योग्य कैंडिडेट नहीं मिला। अब आप ये नहीं कह सकते, और एक बड़ा बदलाव आया है सरकार आने के बाद, बदलाव ये है कि पहले कैंडिडेट की लिस्ट दिखती थी, आज की तारीख में नहीं दिखती। वो कहते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डाल दें, अपना देख सकते हैं। सो इट हैज बिकम अनअकाउंटेबल एंड नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम। बाकी आपके कॉम्पिटिशन का कौन सॉल्व लिस्ट का कौन, आप देख ही नहीं सकते। कैंडिडेट्स की कमी नहीं आज की तारीख में फ्रॉम माजरा सेक्शन, देयर सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। लेकिन एनएफएल इसलिए होता है कि आपको पोस्ट भरनी नहीं है। अब भरने के दो वजह हैं, नहीं भरने के दो वजह। एक हमने कहा कि पहले सिस्टमेटिकली आप यू वांट टू डिनाई देम द अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। और ज्यादातर लोग, मैं आप कह रहा हूँ इस बात को यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे कुछ मित्र कहते हैं एनएफएस इज नन फाउंड संगी, बहुत लोग उसको ऐसा आता है उसका फुल फॉर्म बना दिया गया। सो दिस इज अंडर लेवल ऑफ सेलेक्शन ऑफ एनएफएस। सो अगर आपको वो नहीं मिलते तो नहीं भरना आपको। सो इट्स आइडियोलॉजिकल सिलेक्शन। सो इसलिए मार्जिनलाइज सेक्शन में देयर इज लिमिटेड स्कोप फॉर फाउंडिंग पर्सन फ्रॉम दैट, कोई बदल सकता आज की तारीख में, स्टिल देयर इज लो प्रोबेबिलिटी। तो एनएफएस सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ लोग काबिल नहीं है, एक तो उनको आप घोषित करते हैं काबिल नहीं है, फिर दूसरे आप ये करते थे वो आपके आइडियोलॉजी के लोग नहीं है। तो इसलिए जो एनएफएस का मुद्दा है पूरे देश में व्यापक रूप से है। हमारे यूनिवर्सिटी में करीब 30% जो सिलेक्शन में से 30% लोग जो मार्जिनलाइज्ड रिजर्व कैटेगरी की सीट्स है उसमें से 30% आज की तारीख में एनएफएस है। इंस्पाइट ऑफ आवर मीटिंग विद द सोशल जस्टिस मिनिस्टर, हम 58 से भी मिले, वी आर मेड अटेम्प्ट्स टू मीट देम मिनिस्ट्री अदर प्लेसेस, तो कहते हैं तो मनुवादी संघी है। सी द न्यू टर्म कॉइन बाय द करंट वाइस चांसलर इज मनुवादी वामपंथी, एक नया टर्म आ गया अभी। वो कहती फाउंडर के तो मनुवादी वामपंथी है। कौन जी? सी मिनिस्टर को मेरे सामने। अच्छा, मिनिस्टर ने फोन किया कि आपकी कंप्लेन वाली है, क्या कहते हैं और कंप्लेन करने वाले सब मनुवादी वामपंथी है। सो यू कॉइन न्यू टर्म्स एंड दिस गवर्नमेंट द एंटायर सिस्टम इज टू गुड इन कॉइनिंग न्यू टर्मोलॉजी एंड मिसलीडिंग द एंटायर कंट्री। ये इसमें महारत हासिल है। तो इसलिए आज की जो मेरा कहना है कि भाई दीज आर द इशू अंटिल अनलेस वी फाइट इट वेरी व्हाट यू कॉल विद द फुल व्हाट यू कॉल जोश के साथ जब तम लड़ेंगे, वी कैन नॉट फाइंड, वी कैन नॉट सेव द एजुकेशन सिस्टम, वी कैन नॉट व्हाट यू कॉल दी जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का जो रिजर्वेशन की सीट्स उसको भरने के लिए हम लड़ेंगे नहीं, हो नहीं सकते। आई थिंक वी थिंक व्हाट आई एम हियर। थैंक यू, थैंक यू।